नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अपना टाइम जोन पर आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है क्रिकेट और खिलाड़ियों का जो समायोजन होता है वह। तो 45 के टेम्परेचर में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा खेलना, और यूं जो टपक रहा है आपके माथे से पसीना, कुछ ना कुछ आपकी मेहनत, आपके जोश और आपके उत्साह को बनाए रखने में जो आपको अभी तक जो कामयाबी मिली है वह कहीं और नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे आबू धाबी में अभी क्रिकेट चल रहा है, श्री संत बॉलिंग फेंक रहे हैं, बॉलिंग फेंकते ही कभी ऐसा ना लगे कि बॉल हाथ से छिटक जाए। खैर, मैं अब बात कर रहा हूं मंगरौल में हुए क्रिकेट के, जिसमें 5 साल बाद जो टूर्नामेंट आयोजित किया था, दान सिंह वहां के जो आयोजक रहे, मैं बहुत खुश हूं उनसे, और उन्होंने जो शानदार टूर्नामेंट कराया उसका आंखों देखा हाल मैं आपको सुना रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सारी चीजें खुद बयां करूंगा। पहली पारी हुई, दूसरी पारी हुई, उसके बीच कैसे कोई छोटे छोटे बच्चे आए, हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, बहुत सारे गेस्ट आए थे, इसमें विधायक जी भी आए थे और उनके साथ जितने भी लोग थे और उनके जाने मानी हस्ती, उनके साथ जितने भी उन्होंने इनवाइट किए थे, सभी लोग ऐसे आए थे। उस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य बनाया गया था, और बीच में श्रीमती पथरिया विधायक रामबाई के सुपुत्र जी आए थे और उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी किए, बैट्स क्रिकेट किट गिफ्ट किए। बहुत शानदार मोमेंट्स रहे, बीच में गए उन्होंने और ये क्रिकेट की भावनाओं को समझा, और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग सामने आए, और बहुत सारे लोगों ने उन्हें इनामी राशि भी दी मकरौन के खिलाड़ियों को, और मकरौन जो जीता, बहुत ही शानदार मोमेंट्स थे। 174 रन की पारी खेली थी मकरौन के खिलाड़ियों में, जिसमें सौरभ मिश्रा बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, और उन्होंने इस जो स्कोर 12 ओवर में जो स्कोर है 174 का, वह स्कोर बहुत ही बड़ा हो गया था सान वाली टीम लुधनी के लिए, जिसमें राम राजा भी थे और माखन रजक, इनने भी बड़े लंबे लंबे सिक्स मारे, इनके बारे में जानू राजा भी थे। तो मैं कहता हूं कि एक सदी हुई टीम थी, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, तो सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। लुधनी से राम राजा आए थे, पेडी आए थे, और सबसे ज्यादा प्रभावित किया था शिवाजी ने। शिवाजी ने तो ऐसा लगा था जैसे अपनी तलवार निकाल के और अपने भाला से सबकी गर्दनें काटने का पूरा फैसला कर लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्रिकेट था। और माखन रजक को पता था, सौरभ मिश्रा को पता था कि ये टूर्नामेंट है, आखिरी मैच है, फाइनल मैच है, तो पहले भरपूर रन बनाए जाएं। भरपूर रन बनाने के बाद जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो पहले ही ओवर में उनकी विकेट आई थी, उसके बाद जो सिलसिला चला क्रिकेट का वो चलता गया, बराबर विकेट बारी बारी से आते रहे। हालांकि रामराजा ने थोड़ा थमने का प्रयास किया था, लेकिन एक बैट के उस सचिन वाले स्टाइल में अपर कट करने के चक्कर में वो स्लिप पर केस दे बैठे पीछे, इस वजह से वो आउट हो गया, वरना ऐसा लग रहा था कि शिवाजी और रामराजा मिलकर इस पारी को अंत तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं लाएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो फाइनल देखने को मिला, जो फाइनल में जब फाइनल बॉल की गई, तब एक बहुत अच्छा मोमेंट मैंने कैद किया था। तो माखन रजक स्टंप्स को उठाकर और लहरा रहे थे और सारी पब्लिक दौड़ गई थी बीच मैदान में। तो ये क्रिकेट का था मकरौन में, बहुत शानदार क्रिकेट हुआ, तमाम खिलाड़ी मौजूद थे, और आयोजक मंडल की तरफ से सुरेश कादर जी और दान सिंह, जिन्होंने जैसा इनका नाम वैसा इनका काम, और कमेंटर की तरफ से आए थे अमित सिंह राजपूत जी, क्योंकि बड़ौदा से बहुत अच्छे कॉमेंट्रेटर हैं, और मौका से सर तो लगानी है, तारे जमीन पर लाने होंगे, तब कहीं जाकर ये मुकाबला आप अपने पाले में कर सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतिस्पर्धा के इस फाइनल मुकाबले में। मैं हमेशा की तरह जब उस क्षेत्र में जाए और कृपाल सिंह का नाम ना आए तो कोई बात ही नहीं। तो और अच्छे लीडर्स भी मौजूद थी, तो बहुत सारे लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे वहां, क्रिकेट का एंजॉय कर रहे थे, और आंखें उनकी चीयर लीडर्स की तरह जो हर चौके छक्के विकेट्स के बाद उनके ठुमके देखने में कोई कसर नहीं लगा रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा रहा वह मोमेंट, मैं आपको जल्दी बताता हूँ कैसा क्रिकेट का पूरा अंदाजा रहा, और अपना टाइम जोन आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं, और अपना टाइम जोन सुनने वाले देखने वाले सभी लोगों के लिए किन किन चीजों पर आप चाहते हैं कि वीडियोस बनाए जाएं, हमें अपने कमेंट्स दो। दोस्तों, आप लोग को पता है सब्सक्राइब कम करते हैं और ऐसे देख के चले जाते हैं, तो थोड़ा हमारा भी उत्साह बढ़ाएं आप लोग, और इस अपने क्षेत्र के इस क्रिकेट में अपना भी सहयोग दें। और पिच में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जब दान सिंह और इनके सहयोगियों ने छोटे छोटे बच्चों को, एक एक खिलाड़ी के पास एक एक बच्चे थे और पिच पर आए थे सभी लोग, तो बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ उनका साथ दिया और राष्ट्रगान भी किया, पिच पर रहे और दौड़ के जब वो गए तो बहुत प्यारा मोमेंट था, वह देखने लायक था। तो सभी लोग
जिन्होंने क्रिकेट के आयोजन में अपनी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। और जो लोग भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आगे भी आयोजन करें तो बच्चों को जरूर आगे लाए ताकि उन्हें बीच पिच में फाइनल में जाने का अनुभव मिले और वही अनुभव उन्हें एक बड़े खिलाड़ी बनने का मौका मिलेगा। तो हम एक अच्छी पहल की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो हमारे MPCA या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जो लोग खेलते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा, स्टूडियो में लाऊंगा और उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि हमारे आसपास कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो MPCA, आप लोग MPCA नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग, या DCA नहीं जानते होंगे, तो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। और जल्द ही क्रिकेट के क्या नियम हैं, 42 लॉज क्या हैं, कैसे बैठ के किस भाग को क्या कहते हैं, और टीचिंग्स बहुत सारी कोचिंग मैं अपने YouTube के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस क्रिकेट के बाद। हाँ, एक और वीडियो मेरा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, सागर में जो मास्टर अकेडमी चलाते हैं राजा ठाकुर जी, उनके जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं जो तैयार कर रहे हैं रणजी लेवल के और नेशनल लेवल के, उनसे भी मैं आपको अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहे अपना टाउन। कैसा लग रहा है आपको हमारा चैनल, बने रहिए। थैंक यू सो मच।